प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बार बार आप इवेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुटी से इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा ना, कैसे होगा, पिछले क्लास में हो गया है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन कब होता है ये कब होता है, ये हम ऐसा कब लिखते हैं, हाँ जब ए एंड बी क्या हो, डिजॉइंट हो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दोनों सेम चीज है, डिजॉइंट को या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को, पता नहीं ये नाम किस लिए दे दिया, जब डिजॉइंट इतना छोटा नाम था, तो ए एंड बी आर डिजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या था, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसलिए सिग्मा फील्ड में ए कॉम्प्लीमेंट को रखा है। अब ए होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, नहीं होगा तो ये डोमेन का एलिमेंट कैसे होगा, आप यहां पर रख ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। अब इसका भी प्रूफ मालूम ही है, इसका यूज करके आप कर लोगे, इसका यूज करके कर लोगे। और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस पर क्वेश्चन जैम ने काफी बार पूछा है, इसके एप्लीकेशन पर जैम ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये चीजें आनी चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा हाँ इसका यूज देखो, यही सबसे आपका आइडिया जनरेट होगा जब आप इसके प्रूफ के बारे में सोचिएगा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, एक तरह इसको एक क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट कीजिए, क्योंकि यही आइडिया आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, मतलब डिफिनेशन से ही ना आपका आइडिया जनरेट होगा और उसको ही आप स्किप कर दो, तो आइडिया आपके अंदर कैसे जनरेट होगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए, तो आइडिया कम से कम एक हिम्मत तो रहेगी ना आपके अंदर कि हाँ हमें सब कुछ आता है, भले कहीं यूज ना हो लेकिन एक हिम्मत तो रहेगी कि हमें सब कुछ आता है। यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगा, एक मिनट इसके पहले ये चीजें कर लेता हूं कि ए सबसेट ऑफ बी है और इस पर आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करोगे, पी अप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। और इसका प्रूफ यहां से हो जाएगा, यहां से कैसे हो जाएगा, अब उसके लिए बी को ए से रिप्लेस करना होगा, ठीक है ना, तब हो जाएगा, उस केस में बी को ए से रिप्लेस कर दीजिएगा तो हो जाएगा, यानी जो यहां पर लिखा हो ना बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको ये लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, देखिए मैं आपको याद करने बतलाया था ना, जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो पहले आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि देखिए ए इधर सबसेट ऑफ बी हो रहा है ना, ए इधर सबसेट ऑफ बी हो रहा है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इंटरसेक्शन में ए आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर देन जीरो कीजिएगा, ये वाला रिलेशन निकल गया है, लिख लीजिए। तो इतना तक चीजें हुई थी, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होगा ना लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहां से अब आप कर लीजिएगा, यहां से अब कर लीजिएगा कि एनी इवेंट क्या होगा, सबसेट ऑफ ये होगा। तो अब देखो, अब इसका हमें एप्लीकेशन करना है और इस पर क्वेश्चंस भी आया हुआ है, तो कैसे कैसे क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हो थोड़ा उसके उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, ताकि आपके पास एक आइडिया हो, जब क्वेश्चंस आए तब सोचने के लिए कैपेबल हो, या सॉल्यूशन भी कहीं से देखते हो तो आपको समझ में इजीली आ जाए। या ये सब देखिए, ये छोटे छोटे आइडिया है ना, आपको एग्जाम्पल सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां पर एग्जाम्पल सेलेक्ट करना इजी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो एग्जाम्पल जब सेलेक्ट कीजिएगा तो जितने भी कंडीशंस है वो सारे फुलफिल होना चाहिए ना, तो ही ना मीन्स एग्जाम्पल जो सेलेक्ट कीजिएगा वो पहले वेल डिफाइंड भी तो होना चाहिए। अब पता चले कि जो एग्जाम्पल ही सेलेक्ट किया वही गलत है और उस पर मैं पूरा टाइम बर्बाद किया जा रहा हूं, तो ये जो आइडियाज है ना कि आपको एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। जैसे 2021 में मैंने एग्जाम दिया था तो मैं दो क्वेश्चंस को एग्जाम्पल सेलेक्ट करके क्या कर दिया था, एक प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी का था वो मैंने कर दिया था, एक आपका एक वो एक्सपेक्टेशन पर क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया था एग्जाम बिना कुछ किए। तो वो वैसे एग्जाम्पल्स आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए, लेकिन वो जनरेट कहां से होगा, मैंने क्या गारंटी कि जो आप एग्जाम्पल सेलेक्ट कीजिएगा वो वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन करने का मतलब कि जो भी प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टीज है या जो भी प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है एग्जाम्पल्स या को सेलेक्ट करने के लिए भी, यदि आपका मन कर रहा है कि मैं एग्जाम्पल सेलेक्ट करके ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूं और उनमें से कोई एक सही सेलेक्ट कर लूं। तो कैसे देखो, यहां तक हो गया, चलिए जैसे आपको मालूम है कि ए इंटरसेक्शन जो बी होता है ये क्या होता है, सबसेट ऑफ ए होता है ना, ये सही है। अब इस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई कीजिए, लेकिन ये भी तो होता है, सबसेट ऑफ बी भी तो होगा, तो यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। अब देखिए इसका यूज आप कैसे होगा, मैंने कैसे एग्जांपल सेलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए कि आप कोई रैंडमली क्वेश्चन बना रहे हो, रैंडमली एग्जांपल को रिजेक्ट करने के लिए, ऐसा ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो गया सर्टेनली से, तो आप क्या करोगे, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफाइन कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी डिफाइन कर दिया, आपने कुछ कुछ लिख दिया, अब आपको जरूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखने की, आपको उसकी भी जरूरत पड़ रही है, एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसकी भी जरूरत पड़ रही है। तो आप अब कैसे सेलेक्ट कीजिएगा कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, रैंडमली सेलेक्ट करना है। तो मान लो कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने 0.1 लिया, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है ना, 0.3 लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सपोज दैट आपने 0.8 ले लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने जो जो उसमें ये लिख दिया, तो यह क्वेश्चन नॉट वेल डिफाइंड हो गया, यह क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं रहा, क्यों नहीं रहा कोई बतलाएगा, ये क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ ये इससे ज्यादा हो गया, इसलिए क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं है, दिस क्वेश्चन इज नॉट वेल डिफाइंड। और आप यदि एग्जाम में इसी पर काम कर दो, तो आपने तो पहले एग्जाम्पल ही सिलेक्ट नहीं किया सही से, यानी आपका जो क्वेश्चन है जो सिलेक्शन है वही गलत है, वेल डिफाइंड गलत तो अलग चीज है, वेल डिफाइंड ही नहीं है वो, तो जब वेल डिफाइंड ही नहीं है और इस पर आप ऑप्शन पर काम कर दो तो वो गलत ही हो जाएगा ना सारा का सारा। या हो सकता है कहोगे कि यार क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा भी कभी कभी लगने लगता है, मैंने तो क्वेश्चन कितना सिंपल सिंपल सेलेक्ट किया है फिर भी वो गलत हो गया,
फिर भी ऑप्शन ही गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि आप अपनी गलती वहां पर नहीं मानोगे। जैसे मैं मैं ना कल आप लोगों से बात हुआ था ना, क्योंकि मैं इतना देर पढ़ रहा हूँ ना, लगातार 16-17 घंटा में पढ़ रहा हूँ नॉन स्टॉप आप लोगों को पढ़ाने के बाद, माने 14 घंटा तो पढ़ ही पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें तो दाग है ही नहीं। 14 आवर्स में 1% दाग नहीं कि मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके पढ़ाने के जस्ट बाद में लग जाता हूँ पढ़ने के लिए, मैं अभी इतना मेहनत कर रहा हूँ। सोचो यदि आपका इसका 50% भी मेहनत कर लो तो आप IIT के अंदर रहोगे, मेरे मेहनत का 50% भी कर लोगे तो IIT के अंदर रहोगे। तो मैं कुछ मैं क्वेश्चंस कर रहा था, तो मैं बार बार 4 को 5 लिख रहा था, बार बार 4 को 5 लिख रहा था, और उन क्वेश्चन को 2 घंटे ट्राई किया, क्योंकि मैं कहीं से सोल्यूशन जल्दी देखता नहीं हूँ, क्योंकि सोल्यूशन देख लूंगा तो मैं सीखूंगा क्या, तो पहले तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो तो मुझे पता चले। मैं बार बार 4 को 5 लिख रहा हूँ, बार बार 4 को 5 लिख रहा हूँ। मैंने फिर आयान को भेजा, ऋषिका को भेजा कि भाई इसका सोल्यूशन बतला, इतना सिंपल क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, तो वो भी सेम मेथड बतला रहा है कि मैं कहां गलत कर रहा हूं। सर आप 4 को 5 लिख रहे हो और हर पेज पर मैंने 10 पेज यूज किया, 10 पेज पर वही लिखा हूं और बोल फोड़ रहा हूं, लिखा हूं 8C4 लिखा हूं, 8C4 लिखा हूं, लेकिन जैसे 8 factorial upon 5 factorial into 3 factorial लिख दे रहा हूं, तो ऐसी गलती एग्जामिनेशन हॉल में होती, यानी हम अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो यदि आपको यह मालूम है सारी चीजें, तो आपके लिए एग्जाम्पल सेलेक्ट करना क्या होगा, बहुत इजी होगा, आप कंफर्टेबली एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लो। अब यह सही है, अब ये क्वेश्चन 100% वेल डिफाइंड, अभी वेल डिफाइंड नहीं है, अभी वेल डिफाइंड नहीं। तो ये सारी चीजें कहां हेल्प करेगी, एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट करने में, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि ऑप्शन को रिजेक्ट किया जाए या इनइक्वालिटी टाइप के मींस वहां पर आ जाए, आजकल दे भी रहा, तो हो सकता है कि ये क्राइटेरिया आपका काम कर जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एग्जाम में कब कैसा सिचुएशन आ जाए कोई नहीं जानता। लिख लीजिए, तो ये नॉट वेल डिफाइंड क्यों है, बिकॉज ये सबसेट ऑफ ए, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, मस्ट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन ए, ये होगा, ये होगा, यदि ऐसा नहीं होता गलत, तो नहीं है ना, या इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट सेटिस्फाई। लिख लीजिए, अब देखिए, अब यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे भी लेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे भी लेस है, तो यहां पर आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा, कोई बतलाएगा, यहां पर आप क्या कंक्लूजन निकालिएगा, दोनों से तो लेस तो दिख ही रहा है, और कोई कुछ माने बोल नहीं रहे हो, लेकिन कुछ और बोलना चाहिए था, आप कुछ और बोल रहे हो, मिनिमम से लेस होगा, मिनिमम से क्यों लेस होगा, देखिए। और इस कॉन्सेप्ट पर, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, जैम 2021 में 4 से 5 क्वेश्चन आया था, केवल एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर 4 से 5 क्वेश्चन आया था, माने क्वेश्चंस के लास्ट में यही अप्लाई हो रहा, क्वेश्चंस के लास्ट में डिटो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता, जब 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 जैम 2021 का पेपर सॉल्व कीजिएगा तो वो चीजें आपको दिखेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है वो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो लेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है कहीं ना कहीं पहुंचा, तो मैं मान लेता हूं कि कुछ देर के लिए ये मिनिमम है, रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर है ना,
तो रियल लाइन पता ही जाएगा, तो ये रियल लाइन पर आ गए। अब देखिए यह कह रहा है, यह कह रहा है कि इससे मैं लेस हूं, ठीक है, और ये भी महाशय जी कह रहे कि मैं भी लेस हूं, तो दोनों एक साथ कब ट्रू होगा, ये दोनों चीजें एक साथ कब ट्रू होगी, कब ट्रू होगी, जब जब इसकी वैल्यू, जब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन ये हो जाए, तो है ना दोनों चीजें एक साथ ट्रू होगी, नहीं तो ट्रू नहीं होगी। दोनों चीजें एक साथ ट्रू कब होगी, यानी यानी कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी, हमें नहीं पता है कि मिनिमम कौन है, इन जनरल है ना, लेकिन रियल नंबर रहेगा तो आपको दिखेगा कि मिनिमम 0.2 है कि 0.3 है, वहां पर आपको मिनिमम दिखेगा, तो इसके मिनिमम से ये लेस हो। समझ में आ गया, ये समझ में आया? यस सर, यस। आप कहोगे कि नहीं सर मैं ये लूंगा, आप कहोगे कि मैं ये लूंगा, ठीक है, देखो मैं आपको बतलाता हूं कैसे करो थोड़ा, क्योंकि दिमाग में चल, मैं खुद वेरीफाई किया हूं, मैं खुद पहले वेरीफाई किया करता था जब मैं खुद पढ़ाई करता था, तो हो सकता है कि आपके भी मन में ऐसा सवाल आए, लेकिन आप लोग तो पूछते नहीं हो, दिक्कत ही है। जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 0.3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है लेस देन इक्वल टू 0.8, ठीक है, आपने मान लिया इंप्लाई करके लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है लेस देन इक्वल टू 0.8, जैसे आपने किसी एक ने बोला था, यही आपने बोला था ना मैक्सिमम, अब देखिए जब इससे लेस है, यदि आप ऐसे इन जनरल इसको बंद कर दो और किसी से पूछो कि इससे लेस है, तो वो तो इसके पहले कोई भी रियल नंबर ले लेगा ना, इसके पहले वो कोई भी रियल नंबर ले लेगा, तो मान लीजिए कि उसने यह चूज कर लिया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है, उसके दिमाग में अब कुछ भी चल सकता है और उसने ये चूज कर लिया, 0.5 चूज कर लिया, सपोज दैट चूज कर सकते हैं ना, इससे तो लेस है दिमाग, जब इससे लेस है तो ये क्यों नहीं चूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंप्लाई करके यहां आ गए। अब देखिए 0.5 चूज कीजिएगा तो देखिए यह तो ट्रू हो रहा है, क्या ये ट्रू हो रहा है बतलाइए तो, जबकि दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, दोनों एक साथ कब ट्रू पॉसिबल है, जब आप इससे कम ले लीजिएगा, अब यहां पर 0.2 लेकर के देखो, ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, दोनों एक साथ ट्रू हो रहा है, तो क्या होगा, मिनिमम से कम होगा, इसलिए मैंने बोला कि ये मिनिमम से कम होगा, मैक्सिमम से नहीं होगा, तो मैक्सिमम से क्यों कम नहीं होगा, रीजन पता चल गया, और ये कैसे निकालते हैं चीजें आप बार बार भूल जाओगे, ठीक है ना, सबसे बेस्ट वे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन को प्लॉट कीजिए और जो इंटरसेक्शन में आ रहा है वही होगा, जहां तक इंटरसेक्शन, तो यहां इसके बाद नहीं है, यानी इससे लेस होगा, इन जनरल कहीं भी यूज कर लो, कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे स्टैटिस्टिक्स में, एमिली में भी ये चीजें आएगी, जब आप एमिली पढ़ोगे ना, तो वहां पर ना मैक्सिमम लड़कों को कंफ्यूजन होता है कि जो थीटा की वैल्यू है ना वो एक्स वन से कम कैसे हो गया, थीटा की वैल्यू जो है ना यह एक्स वन से कम कैसे हो गया, थीटा की कभी वैल्यू एक्स वन से ज्यादा हो जाएगा, एक्स वन पता है आपको, हाँ मीन्स इसको कैसे फर्स्ट ऑर्डर मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या है, सबका मिनिमम, जितने भी उसमें है उनमें सबसे मिनिमम जो है वो एक्स वन से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेल मैक्सिमम से रिप्रेजेंट होता है, यही ना, तो यदि आप यह समझ गए तो वहां पर आपका 90% प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्योंकि डोमेन चूज करना होता है एमिली वगैरह निकालने के लिए, आपको डोमेन पता होना चाहिए या सफिशियंट वगैरह निकालने के लिए, अब आपको वही ना ये आपको निकालने ही ना, तो ये हर जगह आपका काम है कॉन्सेप्ट, तो इसको भी ये नोट मार्क कर लेना ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे कि हाँ इस सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं चीजों को, या वहां पर आराम से हम कैसे डील करेंगे बिना घबराए, आराम आराम से, तो यह गलत।
सेम यूनियन के साथ केस भी होगा ना, यूनियन का भी केस लेना पड़ सकता है, तो यूनियन का बेटा आपको पता है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई है और इनइक्वालिटी रिलेटेड तो प्रॉब्लम तो आते ही है, ठीक है ना। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यहां से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू। अब मुझे ये बतलाइए कि ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ कब ट्रू होगा, ज्यादा डीप में अब नहीं जा रहा हूं ना, और ये सब क्वेश्चंस के की पॉइंट है, यानी समझो कि क्वेश्चंस करने का मेन जो होता है ना नस, यही सब है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो लास्ट में ऐसा आएगा, फंस जाओगे बैठ के, अब तुक्का मार के आ जाओगे, यानी आप 100% सर्टिनिटी से ऑप्शन टिक करके नहीं आओगे, तो वहां भी आप प्रोबेबिलिटी ही लगा दोगे, 50-50 का चांस ले लोगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये आप श्योर हो जाओगे, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। अभी एनिटी रहेगा तो वो भी पता नहीं चलेगा। तो क्या आ रहा है, ये इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है ना, इसके बाद से आ रही है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम हो रहा है ना, मैक्सिमम से क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लीजिए। तो अब ये कहीं भी आएगा इस टेस्ट में, आपको अभी यह कॉन्सेप्ट परेशान नहीं करेगा, और हमेशा आएगा, हमेशा बार बार आएगा, तो आपको शायद रीजन नहीं पता होगा, अब आपको रीजन पता चल गया कि ऐसा क्यों हो रहा। सर एक बार फिर से बता दूं कहां पर कौन, देखिए मैं ये कहूं कि x ग्रेटर देन 1 भी है एंड x ग्रेटर देन 2 भी है, दोनों एक साइड ट्रू होगा, कब होगा जब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा ना, Yes, तो इंटरसेक्शन यानी x greater than 2, ठीक है सर समझ में, ये वाले लिखा तो समझ में आ गया ना, तो यही सेम चीज आप रिलेट कर लीजिए, इसको x ले लीजिए और इसको 1-2 से कंपेयर कर लीजिए, और क्योंकि सब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैं ऐसे इन जनरल समझा रहा हूँ, यदि आपको प्रोबेबिलिटी में डिफाइन करना है तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू चूज कर लीजिए, क्लियर है। हाँ सर। क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू हो रहा है ना, दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यह भी ट्रू है, जब ये ट्रू है तो ये दोनों एक साथ ट्रू है ना, तो ये भी एक साथ ट्रू होगा, तो यानी इंटरसेक्शन आएगा एंड आ जाएगा। और सर फिर भी मुझे बतलाना पड़ेगा, लेकिन अब आगे बतलाऊंगा तो वो चीज आपका दोबारा होगा, सेकेंड टाइम्स होगा ना, ना कि फर्स्ट टाइम्स होगा, तो सेकेंड टाइम्स होगा तो इस बात से थोड़ा और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और जो उनका जिनके लिए फर्स्ट टाइम होगा उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आपको तो फायदा मिलेगा 100%। हो गया यहां तक,